Dear students and friends, very very good morning. Today in this lecture we shall discuss the question and answer of the poem The Ant and the Cricket. So be ready. I am going to read the very first question. The question is, bring out the central idea of the poem The Ant and the Cricket. Jo kavita hai Ant and the Cricket उसके मुख्य ध्येय को बताइए, उसका मतलब क्या है, किस बेस पर है. तो आंसर इज दिस पोएम कन्वेज ए वेरी रियलिस्टिक मैसेज. यह कविता के बहुत ही वास्तविक संदेश देती है. इट शोज, यह दिखाती है, इफ वन डज नॉट थिंक फॉर फ्यूचर, अगर कोई भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, ही इज डेस्टिन्ड टू सफर, उसके तो भाग्य में दुख झेलना लिखा गया है. द क्रिकेट इन द स्टोरी, जो झिंगुर है इस कहानी में, रिप्रेजेंट्स दोज ह्यूमन बींग्स, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, हु आर नॉट वाइज इनफ, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, टू सेव फॉर फ्यूचर, भविष्य में बचाने के लिए. सच पुअर फेलोज फेस वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसे बेचारे लोग बहुत ही भयानक स्थिति का झेलते हैं. एज द क्रिकेट हैड टू, जैसा कि इस झिंगुर को झेलनी पड़ी. इट इज ए ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन, यह एक बड़ी बहुत ही प्रताड़ित करने वाली स्थिति होती है. इट मेक्स देम वीक एंड मोरली डाउन, यह उन लोगों को कमजोर बना देती है और नैतिक तौर पर उनको गिरा देती है. बट देयर आर पीपल, लेकिन यहाँ वो भी लोग हैं, लाइक द आंट, चींटी की तरह, हु आर बोल्ड, जो साहसी होते हैं. देयर बोल्डनेस इज ओनली ड्यू टू देयर प्लान्ड लाइफ, उनकी जो बहादुरी होती है, साहस होता है, वो क्या है, उनके नियोजित ढंग से जीने की वजह से होते हैं. दे लिव हैप्पीली फॉर एवर, हमेशा वो खुशी से जीते हैं. इट इज आवर रियल लाइफ, यह हमारा वास्तविक जीवन है. We should be like the ant, not the cricket. हमें चींटी की तरह होना चाहिए. It make our life comfortable. यह हमारे जीवन को आरामदायक बनाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. Narrate the story of the ant and the cricket in about 50 words. जो ये कहानी है कविता की, इसकी इसको 50 शब्दों में आपको लिखना है. What moral or message does it convey? कौन सा नैतिक संदेश ये कविता देती है? तो आंसर इसका, The cricket was fun loving. जो क्रिकेट था वो आनंद लेने वाला था, आनंद का दीवाना था. He enjoyed singing All through summer, उसने पूरी गर्मियाँ गाने का आनंद लिया. He did not store any food for winter, सर्दी के लिए उसने कोई भी खाना बचाकर नहीं रखा. Naturally, स्वाभाविक तौर पर, the silly creature began to starve, अब जो वो मूर्ख जंतु है वो भूखा मरना शुरू हो जाता है. There was only snow all around, चारों तरफ आप सिर्फ बर्फ होती है. He was wet, वो गीला होता है. He decided to go to the ant, वो चींटी के पास जाने का निर्णय लेता है. To ask for help, सहायता लेने के लिए. And shelter, और आश्रय लेने के लिए. He promised to repay the borrowed food on the next day, वो उसको वायदा करता है कि जो उसने उधार लिया खाना अगले दिन लौटा देगा. The ant told that they neither lend nor borrow, वो कहते हैं ना तो कभी हम उधार लेते हैं ना देते हैं. Since the cricket had been singing in summer, जबकि जो झिंगूर है वो गर्मियों में गाना गाता रहता है. He should dance the winter away, अब उसको सर्दी में जाके डांस कर लेना चाहिए, नाचना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, अब आप अपने शब्दों में इसके टिप्पणी कीजिए. आंसर है, पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द आंट इज इमेजिनरी और ए फेबल विद ए मोरल, लोग कहते हैं जो ये कविता है ये काल्पनिक है
और मनगढ़ंत कहानी है जो एक नैतिक संदेश देती है। बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू एंड एजुकेटिव। लेकिन मैं सोचता हूँ कहानी सच है और शिक्षाप्रद है। सम पीपल लिव ओनली इन द प्रेजेंट, कुछ लोग सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। दे स्पेंड व्हाट दे अर्न, जो कुछ उनको मिलता है वो खर्च कर देते हैं एंड मेक मैरी और आनंद लेते हैं। बट दे रेगट दिस हैबिट लेटर ऑन, बाद में वो इस आदत के बाद पछताते हैं जो ये आदत है उनके साथ कमाने के साथ खर्चने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। चीटी झिंगुर को कहती है कि अब सर्दी में जाओ और वो डांस करे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर, क्या आपको लगता है जो ये शब्द है डांस यहाँ वो सही है? तो आंसर है, द वर्ड डांस हेयर मीन्स मैरी मेकिंग। डांस का यहाँ मतलब है आनंद लेना एंड वेस्टिंग टाइम, उस समय बर्बाद करना। इट इज अप्रोप्रिएट हेयर, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। द इरिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर, जो वो झिंगुर है गैर जिम्मेदार है, डज नॉट डिजर्व एनी सेम्पथी, वो किसी भी सहानुभूति लेने के लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कॉमेंट, रीड दैम अलाउड। कौन सी कविता है जो कविता की कौन सी लाइन है जो कवि की टिप्पणी को दर्शाती है? रीड दैम अलाउड, उसको जोर से पढ़ना है। द कॉमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट टू लाइन्स, अंतिम दो पंक्ति है उसमें ये प्रस्तुत किया गया है। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसको मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, और मैं तो इसकी गारंटी देता हूँ, देऊंगा कि यह सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। झिंगुर कहता है अब मेरा क्या होगा, तो यह किस समय कहता है, क्यों कहता है? आंसर है, द क्रिकेट स्पीक्स दिज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर, जब उसको सर्दी के दिनों में अपने घर कुछ खाने को नहीं मिलता तो उस समय वो ये शब्द कहता है कि ओ अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नाइदर बोरोवर नोर ए लेंडर बी। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं, तो कविता में ऐसी कौन सी लाइन है जो इन लाइनों से मिलती है जो शेक्सपियर ने लिखी गई है? शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर है, उसने लिखा था कि नाइदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर बी, के ना तो उधार लेने वाला बनो ना उधार देने वाला। तो कविता में वो लाइन है, द लाइन इज वो लाइन है, बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड, के हम चीटियां ना तो कभी उधार लेती हैं ना देती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल, जो चीटियां हैं उनका जो सिद्धांत है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आंसर इसका, द आंट्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, जो चीटियां हैं उनका जो सिद्धांत है वो बुरा नहीं है। इट टीचिज ए लेसन टू एवरीबडी, ये हर एक इंसान को एक पाठ पढ़ाती है, सिखाती है, टू प्लान फॉर द रेनी डे, कि जो सर्दी के दिन है उनके लिए एक नियोजित प्लान बना लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम पढ़ चुके हैं हम, अब इसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इसकी समरी बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है। अगर आपको सही लगा ये हमारा समझाने का तरीका तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो वीडियो बनाता रहूँ वो आपको उसके संदेश मिलते रहें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।